गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज अनिल के शर्मा। वेलकम टू ओरेकल टेक इंडिया। और आज के इस वीडियो लेक्चर में यूनिक्स में हेड, टेल और कट कमांड के बारे में जानेंगे। इस वीडियो लेक्चर में हमारे पास जो यूनिक्स का फर्स्ट कमांड है वो है हेड कमांड, और सेकंड कमांड जो है वो है टेल कमांड। तो जो लोग अपना करियर DBA में बनाना चाहते हैं, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के फील्ड में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए हेड और टेल कमांड बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है। तो आइए समझते हैं कि हेड कमांड का क्या यूज़ है और फिर समझेंगे कि टेल कमांड का क्या यूज़ है। तो हेड कमांड जो है डिस्प्लेइंग द टेक्स्ट ऑफ फाइल लाइन बाय लाइन फ्रॉम टॉप। तो ये क्या करता है, किसी भी टेक्स्ट फाइल को ऊपर से लाइन बाय लाइन टेक्स्ट को ये डिस्प्ले करता है। और इसमें जो हाइफन एन है इज टू स्पेसिफाई लाइन काउंट, कि आप एक टेक्स्ट फाइल में ऊपर से कितने लाइन को, टेक्स्ट ऑफ लाइन को आप शो करना चाहते हो, तो उतने टेक्स्ट ऑफ लाइन का जो नंबर है वो स्पेसिफाई करना पड़ता है हाइफन एन के जगह पे। तो फॉर एग्जांपल, इसको एग्जांपल में देखते हैं तो आपको समझ में आएगा। तो यूनिक्स के कमांड प्रॉम्प्ट पे हमें टाइप करना है हेड, और हेड को टाइप करके उसके बाद एक फाइल का नाम देना है। तो मेरे फाइल का नाम है, टेक्स्ट फाइल का नाम है emp.first। तो emp.first को टाइप करके सिंपली मैंने क्या किया, एंटर को प्रेस किया। एंटर को टाइप नहीं किया, एंटर को प्रेस किया है मैंने। तो ये क्या करेगा, अगर इसमें हाइफन एन नंबर ऑफ लाइंस को इंडिकेट नहीं करेंगे, स्पेसिफाई नहीं करेंगे, तो ये क्या करेगा, emp.first नाम के फाइल में से हेड कमांड को यूज करते ही ये ऑटोमेटिकली ऊपर से 10 लाइंस को ये शो कर देगा। तो इट डिस्प्लेस द फर्स्ट 10 लाइंस ऑफ द फाइल emp.first फ्रॉम टॉप। तो emp.first नाम के फाइल में ऊपर से गिनती के 10 लाइंस को ये बाय डिफॉल्ट क्या करता है, डिस्प्ले कर देता है, अगर हम नंबर ऑफ लाइंस को हेड कमांड के साथ स्पेसिफाई नहीं करते हैं। हेड कमांड को टाइप करके सीधे अगर हम फाइल का नाम टाइप कर देते हैं तो ये बाय डिफॉल्ट उस फाइल में से ऊपर की 10 लाइन को डिस्प्ले कर देता है। बट हम चाहते हैं कि emp.first वाले फाइल में से हमें 10 लाइंस नहीं चाहिए, हमें 3 ही लाइन चाहिए ऊपर के, टॉप के। तो उसके लिए हम कमांड लिखेंगे, यूनिक्स कमांड प्रॉम्प्ट पे जाकर के हेड को टाइप करेंगे, उसके बाद हाइफन एन, और उसके बाद कितनी नंबर ऑफ लाइंस होनी चाहिए ऊपर से, तो 3। तो 3 मैंने टाइप कर दिया और फाइल का नाम दे दिया, एंटर प्रेस कर दी। तो अब ये क्या करेगा, emp.first में से ऊपर की 3 लाइंस को ही शो करेगा। तो इट डिस्प्लेस फर्स्ट 3 लाइंस ऑफ द फाइल emp.first फ्रॉम टॉप। तो हेड कमांड का ये यूज है। इसका बिल्कुल उल्टा होता है टेल कमांड में, ये ऊपर से बाय डिफॉल्ट 10 लाइंस को शो नहीं करता है, ये किसी भी टेक्स्ट फाइल को नीचे से लाइन बाय लाइन टेक्स्ट को शो करता है। तो टेल कमांड क्या करता है, डिस्प्लेइंग द टेक्स्ट ऑफ फाइल्स लाइन बाय लाइन फ्रॉम बॉटम। ये टेक्स्ट फाइल को नीचे से लाइन बाय लाइन जो है शो करता है। तो फॉर एग्जाम्पल हम क्या करेंगे, यूनिक्स कमांड प्रॉम्प्ट पे जा करके टेल को टाइप करेंगे, फाइल का नाम देंगे, एंटर प्रेस करेंगे, तो बाय डिफॉल्ट क्या करेगा, फ्रॉम बॉटम नीचे से टेक्स्ट फाइल में नीचे से 10 लाइंस को ये क्या करेगा, शो कर देगा। तो इट डिस्प्लेस लास्ट 10 लाइंस ऑफ द फाइल फ्रॉम बॉटम। तो बॉटम से ये लास्ट 10 लाइन को शो कर देगा। बट नहीं, हम चाहते हैं कि नीचे से 3 लाइंस को ये शो करे, तो उसके लिए हम कमांड टाइप करेंगे टेल हाइफन एन 3 और फाइल का नाम एंटर देंगे, तो ये क्या करेगा, नीचे से 3 लाइंस को शो करेगा। इट डिस्प्लेस
लास्ट थ्री लाइन्स ऑफ द फाइल फ्रॉम बॉटम, नीचे से लास्ट थ्री लाइन्स को ये शो करेगा। इसमें एक और कंडीशन है कि आप जो है डॉलर कमांड प्रॉम्प्ट पे जाकर के, यूनिक्स की कमांड प्रॉम्प्ट पे जाकर के टेल को टाइप करेंगे, प्लस 11 टाइप करके फाइल का नाम देंगे, तो ये क्या करेगा, इट डिस्प्लेस 11 लाइंस ऑन वर्ड्स ऑफ द फाइल फ्रॉम बॉटम। तो ये क्या करेगा, नीचे से 11वें लाइंस के बाद जो है लाइन ऑफ टेक्स्ट को जो है ये डिस्प्ले करेगा। 11वें लाइंस के बाद बाय डिफॉल्ट ये 10 लाइंस को शो करेगा। नेक्स्ट कमांड हमारे पास है कट कमांड। तो आइए देखते हैं कि यूनिक्स में कट कमांड का क्या यूज है। तो कट कमांड इज यूज टू कट पार्ट्स ऑफ लाइंस फ्रॉम स्पेसिफाइड फाइल्स एंड प्रिंट द रिजल्ट टू स्टैंडर्ड आउटपुट। तो कट कमांड क्या करेगा, किसी भी स्पेसिफाइड फाइल में, किसी भी फाइल में किसी भी लाइंस को, लाइन के पार्ट को अगर आप कट करना चाहते हो तो उसको कट करने के लिए कट कमांड को यूज करते हैं, और जिसका रिजल्ट आपका स्टैंडर्ड आउटपुट पे आ जाएगा। मतलब सिंपली कट कमांड यूज करते हैं किसी भी फाइल में जो टेक्स्ट लिखी हुई है उस टेक्स्ट के लाइंस वगैरह को, वर्ड को काटना है तो उसके लिए कट कमांड को यूज करते हैं। तो इट कैन बी यूज टू कट पार्ट्स ऑफ लाइन बाय डेलिमीटर एंड कैरेक्टर। तो बाय डेलिमीटर भी आप लाइंस को कट कर सकते हो, बाय कैरेक्टर भी आप लाइंस को कट कर सकते हो। तो डेलिमीटर का मतलब कोमा हो गया, हाइफन हो गया, आपका जो है कॉलन हो गया, ये सारे डेलिमीटर है। तो जहां जहां डेलिमीटर लगा हुआ है उस डेलिमीटर से पहले वाले पार्ट्स को काट सकते हो लाइन में, या किसी कैरेक्टर को, कोई कैरेक्टर लिखा हुआ है, लेट सपोज वर्ड लिखा हुआ है, तो वर्ड में डब्ल्यू ओ को काट करके आप अलग कर सकते हो। तो यहाँ पे कट कमांड के साथ तीन ऑप्शन है, हाइफन एफ, हाइफन सी और हाइफन डी। तो हाइफन एफ क्या करता है, फॉर स्पेसिफाइंग ए फील्ड, ए सेट ऑफ फील्ड और ए रेंज ऑफ फील्ड। तो किसी फील्ड को स्पेसिफाई करने के लिए हाइफन एफ ऑप्शन यूज करते कट कमांड के साथ, तो कैसे वो हम आगे देखेंगे। और सी जो है, हाइफन सी जो है फॉर स्पेसिफाइंग ए कैरेक्टर, सेट ऑफ कैरेक्टर, रेंज ऑफ कैरेक्टर और कॉलम्स। एक फाइल में किसी कॉलम या किसी रेंज ऑफ कैरेक्टर्स को या सेट ऑफ कैरेक्टर्स को या किसी पर्टिकुलर एक कैरेक्टर को कट करने के लिए हाइफन सी ऑप्शन कट कमांड के साथ यूज करते हैं। और हाइफन डी जो है फॉर स्पेसिफाइंग ए डेलिमीटर दैट विल बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ डिफॉल्ट टैब डेलिमीटर। तो यूनिक्स में बाय डिफॉल्ट जो है टैब डेलिमीटर लगा हुआ होता है। टैब का मतलब एक टैब जितना स्पेस रहता है हर टेक्स्ट के बीच में, हर रिकॉर्ड के बीच में। तो उस बाय डिफॉल्ट टैब वाले स्पेस के जगह पर आप कोई डेलिमीटर, कोमा, कॉलन, हाइफन, कुछ भी आप यूज कर सकते हो। तो उसके लिए हाइफन डी ऑप्शन को यूज करते कट कमांड के साथ। तो इन सब को एक एक करके हम एग्जांपल में समझेंगे तो सारा क्लियर हो जाएगा। तो इसको जो है समझने के लिए सबसे पहले हम एक फाइल लेते हैं। तो हमारे पास एक फाइल है और फाइल का नाम है test.txt, और इस test.txt में कुछ टेक्स्ट लिखी हुई है, कुछ लाइंस लिखी हुई है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, उसके बाद अल्फा, बेटा, गामा और डेल्टा और एप्सिलोन, ये सारे लिखे हुए हैं। अब सबसे पहले मुझे क्या करना है कि टू कट ओनली द थर्ड फील्ड ऑफ इच लाइन यूज द कमांड। तो मुझे क्या करना है कि इसमें जो थर्ड फील्ड है, इसको फील्ड वन बोलते हैं, इसको फील्ड टू बोलते हैं, इसको फील्ड थ्री बोलते हैं, इसको फील्ड फोर बोलते हैं, इसको फील्ड फाइव बोलते हैं। तो फील्ड वन में वन है, अल्फा है, फील्ड टू में टू और बेटा है, फील्ड थ्री में थ्री और गामा है, फील्ड फोर में फोर और डेल्टा है, और फील्ड फाइव में फाइव और एप्सिलन है। तो मुझे क्या करना है, मुझे हर लाइन में से थर्ड फील्ड को काटना है। ये पूरी लाइन है
और थर्ड फील्ड एक दो तीन इसको काट करके निकालना है, थ्री को काट करके निकालना है और गामा को, इस थर्ड फील्ड को काट करके निकालना है। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, यूनिक्स कमांड प्रॉम्प्ट पे जा करके कट लिखूंगा, उसके बाद हाइफन एफ। हाइफन एफ किस लिए, क्योंकि मुझे फील्ड्स को कट करना है, फील्ड को कट करने के लिए हाइफन एफ। और कौन से फील्ड को कट करना है, थ्री नंबर वाले फील्ड को कट करना है वो। उसके बाद फाइल का नाम दे करके एंटर प्रेस करूंगा, तो मेरे पास फील्ड थ्री जो है वो कट हो करके यहाँ पर थ्री और गामा के फॉर्म में आ गया। मतलब ये दोनों जो है फील्ड्स थ्री है टेस्ट डॉट टीएक्सटी फाइल में। नेक्स्ट हमें जो है क्या करना है, टू कट ओनली द सेकेंड थ्रू फोर्थ फील्ड ऑफ इच लाइन यूज द कमांड। तो अब मुझे क्या करना है, टेस्ट डॉट टीएक्सटी फाइल में मुझे जो है दूसरे फील्ड से लेकर के मुझे चौथे फील्ड तक जो है कट करके आउटपुट में शो करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यूनिक्स कमांड प्रॉम्प्ट पे कट लिख करके हाइफन एफ लिखूंगा। तो हाइफन एफ किस लिए, फील्ड को कट करने के लिए। और यहाँ पे दो हाइफन चार का मतलब है कि दो से लेकर के चार तक। तो टेस्ट डॉट टीएक्सटी फाइल में आपका दो तीन और चार, ये तीन फील्ड्स को निकाल करके आपको दे देगा। तो इसके बाद हम टेस्ट डॉट टीएक्सटी फाइल को टाइप करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, तो यहाँ पर जो आउटपुट हमारा आया है दो से लेकर के चार फील्ड्स हमारे सामने जो है आया है। तो टू हमारा दो फील्ड नंबर टू हो गया, थ्री हमारा फील्ड नंबर थ्री हो गया जो दो और चार के बीच में आता है, और फोर हमारा फोर हो गया। तो ये आपका दो से लेकर के चार तक का फील्ड आउटपुट है। उसके बाद अब मैं चाहता हूँ टू कट कैरेक्टर्स फ्रॉम ए लाइन, तो उसके लिए मैं कमांड यूज करूँगा। तो कैरेक्टर को कट करना है मुझे, कैरेक्टर को कट करना है। तो कैरेक्टर को कट करने के लिए सिंपली मैं यूनिक्स कमांड प्रॉम्प्ट पे जा करके कट को टाइप करूंगा, और हाइफन सी स्पेसिफाई करते हैं जब एक फाइल में किसी भी लाइन के टेक्स्ट को, किसी भी लाइन के कैरेक्टर को मुझे कट करना है। तो हाइफन सी लिख करके, और यहाँ मैं करूँगा तीन हाइफन थ्री हाइफन ट्वेल्व, तो तीन से लेकर के 12 तक के बीच में काउंट करके ये क्या करेगा, कैरेक्टर को कट करके आपके सामने दे देगा। और स्पेस बीच में जो टैब है बाय डिफॉल्ट, उस टैब को भी ये काउंट करेगा वन। तो टेस्ट डॉट टीएक्सटी फाइल का नाम दे करके एंटर प्रेस करूंगा, और फिर आउटपुट में क्या आएगा, ये आपका जो है थ्री नंबर का कैरेक्टर है, वन था टेस्ट डॉट टीएक्सटी फाइल में वन। वन में स्पेलिंग क्या होती है, ओ एन ई, और यहाँ पर थ्री कैरेक्टर नंबर थ्री है, तो ओ को छोड़ दिया, एन को छोड़ दिया, और थ्री नंबर पे जो ई है उसको ले लिया इसने। तो ई आपका एक काउंट हो गया, मतलब थ्री नंबर का कैरेक्टर आपके पास ई है। और उसके बाद फोर्थ नंबर का कैरेक्टर आपके पास ये पूरा, ये जो ये पूरा टैब को भी ये काउंट करता है, तो ये आपका फोर्थ हो गया। उसके बाद फिफ्थ आपका टी हो गया, सिक्स आपका डब्ल्यू हो गया, ओ आपका सेवन हो गया, उसके बाद पूरा एक टैब आपका एट हो गया, उसके बाद टी आपका नाइन हो गया, एच आपका टेन हो गया, और आर आपका इलेवन, और ई आपका 12 हो गया। तो इस तरीके से इसने जो है तीन से लेकर के थ्री से लेकर के 12 तक के बीच में कैरेक्टर को कट करके दे दिया, और ये टैब को, क्योंकि यूनिक्स में बाय डिफॉल्ट टैब आ जाता है बीच में, ये बीच में स्पेस जो दिखाई दे रहा है ये एक टैब है, एक टैब ये दूसरा टैब, तो एक टैब और दूसरे टैब को भी ये कैरेक्टर में काउंट करता है। उसी तरीके से पी एच ए बेटा और जी इन सब को काउंट करेंगे टैब के साथ, तो ये थ्री से लेकर के 12 कैरेक्टर होगा।
नेक्स्ट हमें देखना है कि डेलिमिटर को कैसे यूज करते हैं। तो डेलिमिटर का मतलब स्पेस हो गया, कोमा हो गया, कॉलन हो गया, हाइफन हो गया, ये सारे डेलिमिटर होते हैं। तो हम डेलिमिटर के बेसिस पे भी हम टेक्स्ट को कट करके साइड कर सकते हैं या उस डेलिमिटर को भी चेंज कर सकते हैं। लेट सपोज दो टेक्स्ट के बीच में टैब टैब वाला स्पेस है, तो उस टैब वाले स्पेस की जगह पे हम कॉलन को भी यूज कर सकते हैं, कोमा को भी यूज कर सकते हैं। और लेट सपोज टेक्स्ट के बीच में कॉलन लगा हुआ है, तो उस कॉलन से पहले वाले टेक्स्ट को भी कट करके निकाल सकते हैं, उस कॉलन के बाद वाले टेक्स्ट को भी कट करके निकाल सकते हैं। तो स्पेसिफाइंग डेलिमिटर अदर देन टैब यूज द कमांड। तो टैब वाले स्पेस की जगह पे, जो कि यूनिक्स में टेक्स्ट के बीच में बाय डिफॉल्ट टैब वाला स्पेस आता है, तो उस टैब वाले स्पेस के जगह पर हम कोई भी डेलिमिटर कैसे यूज करेंगे तो वो देखते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक फाइल है और फाइल का नाम है etc/password। तो etc/password में कौन सी इंफॉर्मेशन होती है? ऑल यूजर्स की, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे जितने भी यूजर्स होते हैं जिनका यूजर और पासवर्ड बना हुआ होता है, उन यूजर्स की सारी इंफॉर्मेशन /etc/password में होता है। और यूजर के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन की फील्ड होती है वो फील्ड कॉलन के थ्रू डिस्प्ले किया जाता है, मतलब उनके बीच में कॉलन्स लगे हुए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए लाइन ऑफ etc/password फॉर द रूट यूजर में लुक लाइक दिस। तो लेट सपोज यूनिक्स में एक सुपर यूजर है, रूट यूजर है, तो उसके लिए /etc/password में जो इंफॉर्मेशन शो करेगी वो इस तरीके से शो करेगी कि वो रूट यूजर है, उसके बाद कॉलन लगा के एक्स, ये टर्मिनल नेम होगा, उसके बाद कॉलन लगा करके ये टाइमिंग, उसके बाद कॉलन लगा करके ये फिर रूट यूजर, उसके बाद स्लैश लगा करके ऐसे, फिर कॉलन लगा करके /bin bash इस तरीके से, मतलब इसके बीच में फील्ड्स के बीच में कॉलन को डिस्प्ले किया जाता है, मतलब कॉलन को भी दिखाया जाता है। इस तरीके से /etc/password में इंफॉर्मेशन हमें दिखती है। अब मुझे क्या करना है, मुझे ये करना है कि /etc/password में जितने भी यूजर की इंफॉर्मेशन है उसके कॉलन से पहले वाली सारी इंफॉर्मेशन कट करके निकालनी, यानी कि कॉलन से पहले वाली जो फील्ड है उसको कट करके निकालनी है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले लिखूंगा कट, और कट लिखने के बाद फील्ड कौन सा चाहिए आपको, पहला फील्ड चाहिए तो हाइफन एफ लिख करके 1 लिखूंगा मैं, पहला फील्ड कट करेगा, यानी कि ये रूट हमारा पहला फील्ड है, तो पहले फील्ड को कट करेगा। और उसके बाद मैं डेलिमिटर को यहाँ पे स्पेसिफाई कर दूंगा रेशियो, ये कॉलन, कॉलन मुझे डेलिमिटर स्पेसिफाई करना है कि पहला फील्ड कॉलन से पहले वाला मुझे सारा शो करे। तो हाइफन डी कॉलन के लिए होता है, हाइफन डी डेलिमिटर के लिए होता है। तो डेलिमिटर हमारे पास यहाँ पे कॉलन है, उसके बाद फाइल का नाम /etc/password, एंटर प्रेस करूंगा तो ये क्या करेगा कि /etc/password में जो इंफॉर्मेशन है तो कॉलन से पहले वाली फील्ड 1 कट करके आपको दिखा देगा। तो रूट है यहाँ पे, कॉलन से पहले वाली जो फील्ड है वो रूट है, तो यहाँ पे रूट दिखा दिया। उसके बाद उसके नीचे डायमंड है, बिन है, सिस है और चॉप है। तो इस तरीके से हम डेलिमीटर से पहले वाले फील्ड को फील्ड का नंबर दे करके कट करके हम आउटपुट को शो कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि अब जो है मैं /etc/password नाम के फाइल्ड में फील्ड 1 और फील्ड 3 को काटना चाहता हूं और डेलिमीटर को भी मैं उसमें यूज करना चाहता हूं। तो उसके लिए कमांड हम लिखेंगे यूनिक्स कमांड प्रॉम्प्ट पे जाकर के कट, उसके बाद फील्ड कट करना है तो हाइफन एफ, और कितने कॉलम कट करने, मतलब कितने फील्ड कट करने हैं तो वो फील्ड 1 और फील्ड 3 को कट करना है, और डेलिमीटर को भी मुझे उसके बीच में लेना है, तो हाइफन डी डेलिमीटर के लिए है।
तो डेलिमिटर और कॉलन, जो भी डेलिमिटर लेना है उसको सिंगल इन्वर्टेड कोमा में रख करके अब फाइल का नाम देना है, फिर एंटर प्रेस करनी है। तो आउटपुट में क्या दिखाएगा कि फील्ड वन मेरा रूट है और मैंने डेलिमिटर कॉलन लिया है, तो बीच में कॉलन डेलिमिटर आ गया, और फील्ड थ्री मेरा ये है जीरो, जीरो टाइमिंग को शो कर रहा है, जो स्लैश etc स्लैश पासवर्ड वाले फाइल में टाइम वाला ये फील्ड है। उसके बाद डेमन, ये आपका फील्ड वन है और डेलिमिटर लिया है तो डेलिमिटर, और ये आपका थर्ड फील्ड है। तो इस तरीके से यहाँ पे चोप जो है आपका, ये आपका फील्ड वन है स्लैश etc स्लैश पासवर्ड नाम के फाइल में, और डेलिमिटर शो कर रहा है, और यहाँ पर ये थर्ड फील्ड को शो कर रहा है। तो इस तरीके से हम डेलिमिटर के साथ फील्ड वन, फील्ड टू, थ्री, कितने भी फील्ड को हम जो है इस कमांड को यूज करके हम आउटपुट में शो कर सकते हैं। उसके बाद अब मैं चाहता हूं कि डेलिमिटर जो कि बाय डिफॉल्ट स्लैश etc स्लैश पासवर्ड में डेलिमिटर कॉलन है, तो कॉलन की जगह पर मैं चाहता हूं कि वहां पे स्पेस आए, कॉलन ना आए। तो उसके लिए मैं यूनिक्स कमांड प्रॉम्प्ट पे जाकर के कट, उसके बाद कितने फील्ड लेने हैं तो फील्ड के लिए हाइफन एफ लिखूंगा, फिर दो फील्ड लेने हैं मुझे, फील्ड वन और फील्ड थ्री, और डेलीमीटर में मुझे कॉलन ना लेकर के मुझे बीच में स्पेस लेना है। तो स्पेस लिख करके फाइल का नाम डाल करके एंटर प्रेस करूंगा, तो यहाँ पर आउटपुट में फील्ड वन आपका रूट है, और रूट के बाद यहाँ पे कॉलन नहीं आया क्योंकि डेलिमिटर मैंने स्पेसिफाई किया है स्पेस, तो स्पेस आया है, और उसके बाद ये जीरो आपका थर्ड फील्ड है। तो इसी तरीके से यहाँ पर लास्ट में चोप आपका क्या है, फील्ड वन है, इसके बीच में कॉलन नहीं आया है, स्पेस आया है, और 1000 आपका फील्ड थ्री की वैल्यू है। तो इस तरीके से हम डेलिमीटर में कॉलन के जगह पे स्पेस को भी यूज कर सकते हैं, कोमा को भी यूज करते हैं। अगर हम कोमा यूज करेंगे स्पेस की जगह पे, तो इनके बीच में जो है वन फील्ड और थ्री फील्ड के बीच में ये कोमा लगा करके हमें शो करेगा। तो लाइनक्स का ये वीडियो लेक्चर मेरा यहीं पे फिनिश होता है, बाकी के कमांड्स को हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।